तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत टाइम बाद हम अपनी वीडियो आखिरकार अपलोड कर रहे हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ पर हमारे एक बंदे बैठे हुए थे, हम जा रहे थे आराम से, पता नहीं क्या यहाँ पे मुजरा कर रहे थे ये। तो बाद में हमें इनको नॉक करने के बाद पता चलता है कि ये तो लड़की है। और भाई साहब, जैसे ही ये नॉक हुई, इनके बॉयफ्रेंड यानी कि होने वाले आ गए भाई साहब इन्हें बचाने के लिए। पर उन्हें ये नहीं पता कि गाइस, हम जब अभी रैंक पुश कर रहे हैं तो हमें मारना असंभव है। ठीक है, देखो गाइस, पिछले मैच में, मतलब कि पिछले सीज़न में हम रैंक पुश तो कर नहीं पाए, मतलब इस डोमिनेटर तक जाके रह गए। अब यहाँ पे गाइस मैं देख रहे हो 6-6 बंदे क्लच करूँगा एक साथ। देखो गाइस, देख रहे हो गाइस, अरे हमें कोई मतलब मार ही नहीं सकता, इतनी आराम से हम पिस्टल से क्लच कर देते हैं। यहाँ पे प्रो लोग पता नहीं क्या 5, अरे आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 5, पर अभी देखो अभी बाकी है भैया, ये बोट दादा भी तो किल दे के जाएंगे। तो गाइस, देखा आप लोगों ने किस प्रकार से हमने यहाँ पे 1v6 करा है। लोग अक्सर 1v4 की वीडियो डालते हैं, हम डालते हैं 1v6 की, छोटी मोटी बात नहीं गाइस। अब यहाँ पे हम स्पॉन के बहुत दूर थे, ठीक है, और हमें एक आवाज आई भैया यहाँ पर। फिर यहाँ आके देखते हैं, ये तो भैया रियल बंदा नहीं है जो परेशान कर रहा था, ये तो बोट परेशान कर रहा था हमें। यहाँ पे 10 घंटे से हम वहाँ कैंपिंग कर रहे थे कि ये बाहर आए और हमें पेले, पर ये भाई साहब वहीं बैठ गए जाके और कट कट चलाने लगे। गाइस यहाँ पे ये बंदा पता नहीं किससे फाइट ले रहा था लास्ट जोन में, ठीक है, 16 बंदे बचे हुए थे। लो ये ऑफलाइन बंदे बहुत मार रहे गाइस आजकल, हम बहुत क्लच कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो खतरनाक क्लच है ये सबसे ज़्यादा, ऐसे उठा के हम ले जाते हैं इसको, नहीं वो कोठी में हम ले गए थे, कुछ ऐसा वैसा नहीं करा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम आराम से लूट रहे थे क्योंकि भाई का पता नहीं कहाँ से आ गए गाड़ी में, तो हमने इनको इधर उधर करके मतलब इतना परेशान कर दिया और फिर इनको पेल दिया। अब गाइस यहाँ पर हम घूम रहे थे, फिर हमें आती है एक बंदे की चलने फिरने की आवाज़, उसने हमारे बंदे को, हम इंतज़ार कर रहे थे कब ये खड़े हों, कब हमें पेल दें, और ये बुलाते पीछे से अपने बंदे को, लो भैया तुम भी जाओ चलो। और गाइस ये जो लास्ट में मरी ये लड़की थी, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इतनी लड़कियां आ रही हैं पबजी में खेलने के लिए, समझ रहे हो, काफ़ी लड़कियां मतलब हाथ से निकल चुकी हैं माँ बाप के, लड़के तो निकले ही हुए थे पबजी खेलते रहे। अब ये बोट दादा यहाँ पे थे तो इनको भाई किल ले लेते हैं। हम थोड़ा सोच रहे थे इन्हें मारे कि नहीं, पता नहीं, कि हमें देख रहे थे 10 घंटे से। देखो गाइस, जब हम पर गोली चलाओगे तभी हम तुम पर चलाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं चलाते हैं हम की। अब गाइस यहाँ पे देखो, हम अच्छे खासे जा रहे थे और रश करने आ गए वहाँ से, और हमारे पास थी भैया M16, 9 गोली में इनको ख़त्म कर दिया, हालांकि इन्हें हमारी थोड़ी सी हेल्थ छोड़ी थी, समझ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गाइस तो हम मिल जाते हैं बोट दादा, ये देखो कैसे आ रहे हैं एकदम आराम से। बोट बड़े प्यारे होते हैं भाई, ऐसे दे के चले जाते हैं किल की पूछो मत। एक और बोट हमको मिलेगा गाइस यहाँ पर इसी मैच में, बोट ही बोट मारे हमने, बस 2 ही बोट दिखाए हैं वैसे तो पबजी वालों ने रिकॉर्ड करके, पर हमने 6 बोट मारे थे, ढूंढ ढूंढ के बॉट मारे हैं गाइस हमने, ठीक है। अब कई इसको मारने के बाद इसको लूट लेते हैं, फिर हमें मिल जाती है प्लेयर गाइस, उससे हम हमेशा हम प्लेयर से टैंक मंगाते हैं, कोई हमें मार ना पाए ताकि लास्ट जोन में आराम से पहुंचे, एकदम अंदर बैठे बैठे पेट्रोल उठा लो हर जगह से। अब कई यहाँ पे पता नहीं है मुजरा कर रहे थे, लेट के भगने की कोशिश करते हैं, गोली क्यों चलाई इनने हमारे बंदे पे, नहीं चलानी चाहिए थी, हम नॉक होके निकलो भैया लॉबी, ठीक है। तो कई फिर से हम तो कहीं यहाँ पे हम आराम से जा रहे थे, पता नहीं क्यों यहाँ पर गोलियाँ बारूद चलाने लगते हैं, जबकि इनको पता है हमारे पास टैंक है, हमको नहीं मार सकता।